हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार भारत। भारत में जब राफेल आए थे तो राजनाथ सिंह ने उनकी शास्त्रीय ढंग से पूजा की थी, सनातन संस्कृति की तरह से उनकी पूजा की थी, जिस पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे सवाल भी उठाए थे और बहुत से लोगों ने तो इसका मजाक भी उड़ाया था। लेकिन अब ग्रीस ने अपने हथियारों में 6 राफेल शामिल कर लिए हैं और अपनी पावर बढ़ा ली है। ऐसे में जब राफेल वहाँ पर पहुँचे तो अपने धर्म के अनुसार उन्होंने उसकी पूजा की, तो शायद कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक जवाब है जो भारतीय पूजा का मजाक उड़ा रहे थे। देखिए ये वीडियो। ग्रीस को आंख दिखाने वाले तुर्की को अब करारा जवाब मिल गया है। ग्रीस को फ्रांस में बने अपने 6 राफेल लड़ाकू विमान मिल गए हैं, जिन्हें बुधवार को सेंट्रल एथेंस के एक्रोपोलिस के ऊपर उड़ान भरी। आपको बता दें कि ग्रीस अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रहा है, उसी कड़ी में लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर तुर्की और ग्रीस का लंबे समय से विवाद चल रहा है, ऐसे में राफेल विमान यहां पर आना बड़ी बात है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र, कुछ एजियन द्वीपों और सरप्राइज की जातियों के रूप में विभाजित द्वीपों को लेकर भी तनाव है, लेकिन दोनों ने ही पिछले साल इन मसलों को सुलझाने के लिए फिर से बातचीत शुरू कर दी थी। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने बताया कि आज जो नए राफेल जेट आए हैं वो पूरे क्षेत्र के बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य हेतु उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस बीच एक बेहद खास चीज यहां पर देखने को मिली। ग्रीस में भी राफेल का ठीक वैसे ही स्वागत हुआ जैसे भारत में किया गया था, जहां पादरी ने विमान की शस्त्र पूजा की और ग्रीक टेलीविजन प्रसारण एथेंस ने तांगरा एयरबेस के पास इन 6 लड़ाकू विमानों का लाइव प्रसारण भी किया, जहां कंट्रोल टावर से वेलकम होम का संदेश प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री का कहना है कि राफेल सौदा स्वायत्तता के लिए यूरोप की रणनीति में एक योगदान रहा है। वह इससे पहले रक्षा बलों, पुलिस तट रक्षक और अग्निशामकों के तौर पर काम करने वाले टैक्स में राहत देने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही ग्रीन की संसद ने अक्टूबर महीने में नाटो के सहयोगी फ्रांस के साथ एक रक्षा समझौते की भी पुष्टि की थी। हालांकि फ्रांस का यह भी कहना है कि समझौता किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यूरोपीय संघ के दक्षिण पूर्वी हिस्से की रक्षा करने वाले ग्रीस की रक्षा करने के लिए है। भारत हमेशा से ही अपनी सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो वहां पर जब भी शस्त्र खरीदे जाते हैं तो शस्त्र पूजा जरूर होती है। बिल्कुल यही ग्रीस में भी देखने को मिला। अपने अपनी नीतियों के, अपने अपने धर्म के अनुसार उन्होंने भी वहां पर राफेल का स्वागत। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।